महिंद्रा जीनियो, बिजनेस में आगे बढ़ो। के प्रायोजक हैं propertychacha.com, जितना चाहो उतना कमाओ, और तनेजा कंप्लीट होम सॉल्यूशन, प्लान योर मॉड्यूलर किचन एंड इंटीरियर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी मंत्रा और मैं हूं सगुना। प्रॉपर्टी मंत्रा में आज हम बात करेंगे हॉलीडे होम्स के बारे में। दूसरा घर यानी दूसरी प्रॉपर्टी, यानी दूसरा इन्वेस्टमेंट, या फिर कहें एक बेहतरीन निवेश। दूसरे घर की जरूरत और चाहत के सहारे प्रॉपर्टी बाजार जमकर फल फूल रहा है। ऐसे में फायदा सबसे ज्यादा निवेशकों और डेवलपर्स को तो हो ही रहा है, लेकिन एंड यूजर भी इसका जमकर फायदा उठा रहे हैं। सपनों का घर खरीदने की चाहत कई बार बजट की आड़ में पूरी नहीं होती, लेकिन जहां नौकरी है उसके नजदीक एक आशियाने की जरूरत सभी को होती है। लेकिन जिम्मेदारियां कंट्रोल में आने और आमदनी के बढ़ने के साथ लगता है कि एक घर ऐसा जरूर हो जहां छत अपनी हो और जमीन अपनी हो, जहां बगीचा हो, जहां आसपास एक खूबसूरत नजारा हो। इन उम्मीदों को पूरा करने के लिए डेवलपर्स ने कॉन्सेप्ट निकाला है सेकेंड होम का। लुभाने के लिए सबसे बड़ा दांव कम कीमत में ज्यादा से फीचर्स मुहैया कराने का है। ये दांव काफी हद तक कामयाब होता दिखाई दे रहा है। दरअसल लोगों को दूसरा घर उस लग्जरी के लिए चाहिए जो मौजूदा घर में नहीं है। दूसरा घर आसपास के उस नज़ारे के लिए चाहिए जो मौजूदा शहर में है ही नहीं। दूसरा घर ऐसी जगह चाहिए जहाँ रोज की भागदौड़ ना हो, शांति हो, सुकून हो। डेवलपर्स को लगता है कि सपनों के पंख नहीं होते और जितनी रकम पास में होती है उससे कभी लोगों के सपने पूरे नहीं हो सकते। यानी दिल्ली एनसीआर में आशियाने के लिए कितनी भी रकम हो काफी नहीं है। फिर यहाँ पर धार्मिक नगरी वृंदावन, हरिद्वार और शिरडी जैसी खूबियां नहीं है। पौंडीचेरी और गोवा की तरह समुद्र भी नहीं है और नैनीताल, शिमला, देहरादून की तरह पहाड़ भी नहीं। डेफिनेटली आई थिंक इट्स अ ग्रेट कॉन्सेप्ट। पूरे वर्ल्ड में यू नो लोग सेकेंड होम लेते हैं, हॉलीडे होम पे लेते हैं। एंड सिर्फ जो एक चैलेंज थोड़ा सा इंडिया में लगता है दैट इज कि इंफ्रास्ट्रक्चर। तो आज अगर मैं हिमाचल में या उत्तराचल में या किसी भी ऐसे सीनिक एरिया में एक हॉलीडे होम लेना चाहूँ, सो फ्लाइट कनेक्टिविटी या रोड कनेक्टिविटी या ट्रेन कनेक्टिविटी has to be excellent। अब बात आती है कि क्या केवल लोगों को कुछ वक्त बिताने के लिए ही दूसरे घर में इन्वेस्ट कर देना चाहिए। इसका तोड़ भी डेवलपर्स के पास है। डेवलपर्स ग्राहकों को फुली फर्निश्ड स्टूडियो अपार्टमेंट बनाकर दे रहे हैं। इन स्टूडियो अपार्टमेंट्स को डेवलपर्स लीज पर वापस ले लेते हैं और ग्राहकों को हर महीने एक तय रकम दे दी जाती है। कम से कम 3 साल के लिए लीज पर लेने की गारंटी डेवलपर्स देते हैं। इन फ्लैट्स की मेंटेनेंस का पूरा जिम्मा डेवलपर्स का होता है। साल भर में 30 दिनों के लिए फ्लैट मालिक को फ्री में रहने के लिए अपना या दूसरा फ्लैट मुहैया कराया जाता है। इस तरह से एक अनजान लोकेशन को भी डेवलपर बसा देते हैं और वहां के लोकल लोगों को भी आशियाने का विकल्प मिल जाता है जो उनके लिए फर्स्ट होम होता है। एंड ऑल्सो जहां पे हॉलीडे होम्स बन रहे हैं वहां के आसपास की यू नो रोड नेटवर्क एंड इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स टू बी गुड और एटलीस्ट नीड्स टू बी प्लान्ड प्रॉपरली so that in future it comes up well, but definitely potential बहुत। सेकेंड होम का ये कॉन्सेप्ट निवेश के लिए भी एक बेहतरीन विकल्प बनता जा रहा है। साथ ही रिटायरमेंट के बाद बसने के लिए भी ऐसा घर बेहद शानदार विकल्प साबित हो सकता है। आदित्य के राणा, दिल्ली आज तक।
तो हॉलिडे होम्स होते क्या है इनके बारे में तो आपने जान लिया है, लेकिन क्या वाकई आपको इसकी जरूरत है या फिर किसके लिए बनाए जाते हैं, हम इसके बारे में करेंगे चर्चा आज प्रॉपर्टी मंत्रा में। हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर राजेश गोयल, एमडी हैं आरजी ग्रुप से, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। साथ में मिस्टर सतीजा, प्रॉपर्टी एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ रहे हैं हमारे साथ, सर आपका भी स्वागत है हमारे स्टूडियो में। जिस तरीके से हमने देखा है कि हॉलिडे होम्स का जो कंसेप्ट है वो काफी ज्यादा इंडिया में हो रहा है प्रचलित, क्योंकि आप एक खुद एक डेवलपर हैं, तो आपकी राय में आप क्या कहेंगे इन घर को खरीदने की चाहत कौन लोग रखते होंगे या फिर किनको टारगेट करके आप इनको डेवलप कर रहे हैं? इस तरह के होम्स बेसिकली बिजनेसमैन, कंपनी के सीईओस, अपर मिडिल क्लास सेगमेंट को ध्यान में रखकर बनाए जा रहे हैं। ये सब होम सेंटर्स बेसिकली होलीडे होम्स टूरिस्ट प्लेसेस पे बनाए जाते हैं, चाहे वो रिलीजियस प्लेस हो या टूरिस्ट स्पॉट हो। और वहां पर जाने वाले लोग, क्योंकि जैसे जो रिलीजियस प्लेसेस होते हैं, जैसे आप यहाँ से वृंदावन लीजिए, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हर महीने वृंदावन जाते हैं जी। या बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो तीन महीने में एक बार वृंदावन जाते हैं, तो ये सब होलीडे होम उन लोगों को अट्रैक्ट करते हैं और वो लोग उस तरह की इन्वेस्टमेंट वहां पे करते हैं। या जो लोग वीकेंड के लिए कहीं जाना चाहते हैं रिलैक्स होने के लिए, तो टूरिस्ट स्पॉट्स पे या जो आउटस्कर्ट सिटीज के ऊपर उस तरह के होलीडे होम बनाए जाते हैं ताकि लोग वहां पर जाके अपना आराम। काफी बड़े होते हैं ये या फिर स्टूडियो अपार्टमेंट की हम इसको रख सकते हैं कैटेगरी में? ये बेसिकली दो कैटेगरी में आते हैं, एक तो स्टूडियो अपार्टमेंट की कैटेगरी में आते हैं जिसमें कि अंदाजा 500 से 700-800 स्क्वायर फीट का होता है, या दूसरा ये विलास टाइप से आते हैं जिसके अंदर की 1500 से लेकर 2500 स्क्वायर फीट के बीच का एरिया रहता है, जहां पे कि एक व्यक्ति अपने पूरे परिवार के साथ जाके रह सकता है। यानी कि आपकी पसंद और आपके बजट के हिसाब से आप इनका चुनाव कर सकते हैं। लेकिन यहां पर आप क्या कहेंगे सर, अगर हम प्रॉपर्टी के लिहाज से बात करें तो क्या वाकई में कंज्यूमर्स के लिए इसको खरीदना या इनमें निवेश करना फायदे का सौदा होगा? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो स्टूडियो अपार्टमेंट, हॉलिडे होम या सेकंड होम लेने की इच्छा रखते हैं, खरीदने की इच्छा रखते हैं, इसके पीछे भी कई कारण होते हैं। जैसे किसी भी रिलीजियस प्लेस के ऊपर जब भी टूरिस्ट बनकर कोई जाता है तो उसको वहां एकोमोडेशन की दिक्कत आती है और वो ये फील करता है कि अगर यहां पर भी मेरा एक सेकेंड होम हो, क्योंकि उसको ये पता है प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के बाद उसे फायदा बहुत होगा, और इसलिए वो सेकंड होम के नाते छोटी सी इन्वेस्टमेंट करके किसी भी जगह पर एक सेकंड होम ले लेता है जी। सेकंड होम लेने के बाद वो दो तीन फायदे हैं उसको। एक फायदा तो ये है सबसे बड़ा कि वो उस होम को, उस सेकंड होम को खुद अपने इस्तेमाल के लिए भी रख सकता है जब भी वो जाना चाहे। अगर वो ना जाना चाहे तो रेंटल इनकम भी कमा सकता है, और इसके अलावा एक अतिरिक्त पहलू ये है कि जब भी वो बेचना चाहे उस प्रॉपर्टी में, कीमतों में बहुत इजाफा होने के कारण वो ये एक उसके लिए लाभ का सौदा है जी। यानी कि आप मानते हैं कि आगे चलकर इन तरह के होम्स में भी कीमतों का इजाफा होने की पूरी पूरी संभावना बनी रहेगी जी। लेकिन यहाँ पे देखा गया है कि ये जो घर बनाए जाते हैं, दूसरा घर अगर इसको हम कहें, तो ये काफी दूर बनाए जाते हैं, शहर की आबादी से काफी दूर बनाए जाते हैं, तो क्या ये नया तरीका है डेवलपर्स का अनजान लोकेशंस को हंट करके वहां पे अपने प्रोजेक्ट से खड़े कर उनको बेचने का ग्राहकों को? देखिए, अनजान लोकेशंस पर जल्दी से ये प्रोजेक्ट कामयाब नहीं होते हैं। ये सब प्रोजेक्ट या तो एकदम आउटस्कर्ट्स पे, जैसे बॉम्बे से बाहर लोखनवाला हो गया, या कलकत्ता से बाहर शांति निकेतन एरिया हो गया, या केरला के बाहर आउटस्कर्ट्स पे बीच पे एरिया हो गया, वहीं पर ही बनाए जाते हैं और वहीं पर ये सक्सेसफुल होते हैं। अच्छा। अनजान जगह पर बनाने वाले प्रोजेक्ट के लिए यूजली इन्वेस्टर नहीं मिलते हैं, तो ये कहना उचित नहीं होगा कि ये बिल्डर्स अनजान लोकेशंस को बसाने के लिए इस तरह के प्रोजेक्ट, यानी कि शहर के आसपास ही बनाए जाते हैं जो बहुत ज्यादा दूर भी ना हो शहर से और बहुत ज्यादा शहर के अंदर भी ना आते हैं। अंदर भी नहीं जी। वृंदावन के बारे में हमने सुना, शिरडी के बारे में हमने सुना, यहाँ पर काफी लोग आते हैं, धार्मिक स्थल है ये, आपके हिसाब से इस वक्त वहां पर हॉलीडे होम कितने तक का मिल जाएगा और आगे आने वाले सालों में अगर हम इसमें इसके रेट्स में इजाफे की बात करें तो कितनी बढ़ोतरी यहां पर हो सकती है? हॉलिडे होम या स्टूडियो अपार्टमेंट अगर आप वृंदावन में लेना चाहते हैं या हरिद्वार में लेना चाहते हैं, कहीं भी आप लेना चाहते हैं, तो इसकी कीमत 1 BHK लगभग 10.5 लाख से शुरू हो जाती है और तकरीबन 13.5 लाख के बीच में ये एक स्टूडियो अपार्टमेंट वेल फर्निश्ड डेकोरेटेड अवेलेबल है। और अगर वो खरीदा जाता है तो उसमें वो हर महीने खुद भी जाके रह सकता है, और कुछ बिल्डर्स ने अश्योर्ड रिटर्न का भी इस पर दावा किया हुआ है। अश्योर्ड रिटर्न के लिए मैं ये चाहूंगा कि इसके लिए अगर राइटिंग में डॉक्यूमेंट बहुत अच्छे ढंग से ले लिए जाएं बिल्डर से, तो ये फायदे का सौदा है। और कीमत अगर शिरडी में भी देखी जाए, वहां पर भी BHK अपार्टमेंट अगर लेना हो, 1 BHK अपार्टमेंट स्टूडियो अपार्टमेंट लेना हो या सेकंड होम के लिए या हॉलीडे होम के लिए लेना हो, तो लगभग वो 15 लाख से लेकर 18 लाख रुपए तक मिल जाते हैं। लेकिन वहां पर डेफिनेटली एक बहुत फायदे का सौदा ये है
अगर आप 18 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करते हैं शिरडी के अंदर, तो आपको अप्रोक्सीमेटली 24 से 26 हजार रुपए महीने की इनकम, रेंटल इनकम शुरू हो जाती है, क्योंकि वहां पर बहुत अभाव है गेस्ट हाउस का और वहां पर वो एकोमोडेशन गेस्ट हाउस की तरह रेंटल पर डे के हिसाब से चल जाती है। जी, यानी कि तकरीबन 20 लाख के अंदर अंदर हम यहाँ पर एक अच्छा वेल फर्निश्ड फ्लैट अपने लिए लेकर रख सकते हैं, और अगर उसको आप यूज नहीं कर रहे हैं तो आप उसको किराए पर चढ़ा दें, किराया तो आपको मिलेगा ही और बाद में उसमें जो इजाफा होगा प्रॉपर्टी के दामों में उसका फायदा भी आपकी जेब को ही पहुंचेगा। इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, ब्रेक के बाद जारी हमारी चर्चा, आप देखते रहिए प्रॉपर्टी मंत्रा। रोल कैमरा एक्शन। माँ। हाँ? माँ मुझे नौकरी मिल गई। माँ कट, जूम इन, लोकेशन चेंज एंड एक्शन, स्लो मोशन, स्लो मोशन, ट्रॉली क्लोज अप, एचएमआई ऑन, फोकस फोकस शिफ्ट, जूम आउट, साइलेंस, रोल साउंड। माय रेजिग्नेशन। थैंक यू सर। टेक इट, train down, pan left, listening down. Zindagi ke picture mein interval nahi hota. Axis Bank, badhti ka naam Zindagi. Action. Hey, Achu. Stylish new Zylo. Taneja Complete Home Solutions, एक परफेक्ट शोरूम जहाँ पर है सुंदर और कंप्लीट घर बनाने का हर साजो सामान। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें propertychacha.com पर। बाप रे। और नहीं, ये तो महाकांड हो गया। डॉक्टर साहब इसकी क्या हालत है? पीठ में दो जगह स्प्रेन है, हिप में हेयरलाइन फ्रैक्चर है और एक बड़ा अनयूजुअल सा फ्रैक्चर है, यू नो। मैं समझ गया, मैं समझ गया। बॉस, हॉट गॉसिप, प्रोफेसर गुप्ता और किटी मैम के बीच कुछ चल रहा है अभी लाइब्रेरी। अब बात बात पर रिचार्ज करना पड़े तो बात कैसे बढ़े, इसलिए यूनिनॉर, दाम कम बातें ज्यादा। स्लेज ने तो नई इंजन की भी विकेट उड़ा दी। मॉडर्न कास्ट को चाहिए मॉडर्न सुरक्षा, ना कि पुराना तरीका, इसीलिए कैस्ट्रॉल GTX मॉडर्न इंजन। इसमें है स्लेज बस्टर्स जो नए इंजन को गंदगी से बचाएं। नया कैस्ट्रॉल GTX मॉडर्न इंजन, क्योंकि मॉडर्न कार्स मांगे मॉडर्न ऑयल। चटपटी दिल्ली आज दोपहर 1:30 बजे सिर्फ दिल्ली आज तक पर। चटपटी दिल्ली के प्रायोजक हैं दिल्ली का मशहूर द ग्रेट मेहता बैंड और शरबतों की शानदार श्रृंखला गुरुजी ठंडाई। ரொம்ப நல்லா இருக்கு சார். நியூ மஹிந்திரா டியூரோ டீசல் ரொம்ப நல்லா டெஸ்ட் பண்ணி யூனோ தமிழ ஓஹோ சூப்பர் இன்ஜின் ரொம்ப பவர் ரொம்ப நல்லா ரொம்ப மைலேஜ் சார். ரோட் பிளாக் ரொம்ப நல்ல சஸ்பென்ஷன் ரொம்ப நல்ல ஸ்கூட்டர் ரொம்ப நல்ல ரோட் தோசா ஸ்கூட்டர் ரொம்ப குட் யுவர் தமிழ் ரொம்ப பேட். நியூ மஹிந்திரா டியூரோ டீசல் ரொம்ப சாலிட் बाजी टेस्ट राइड। ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है प्रॉपर्टी मंत्रा में। आज हम कर रहे हैं बात हॉलिडे होम्स के बारे में। आगे बढ़ने से पहले देखते हैं शिरडी में किस तरह का हॉलिडे होम आपका स्वागत करने के लिए तैयार है। वृंदावन में घर, रिटर्न की गारंटी, रिटायरमेंट का विकल्प, भगवान कृष्ण की नगरी वृंदावन का रियल एस्टेट भी अब गुलजार होने लगा है।
यहाँ पर तमाम बड़े बिल्डर्स ने आकर डेरा डाल दिया है और लोगों के लिए आशियाना खरीदने के विकल्पों की भरमार हो गई है। दरअसल यहाँ प्रॉपर्टी की जरूरत उन लोगों को सबसे ज्यादा है जो साल में या फिर हर महीने कुछ न कुछ वक्त यहाँ पर गुजारना चाहते हैं। यहाँ पर आने वाले लोग विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर, मदन मोहन मंदिर, सेवा कुंज, राधा वल्लभ मंदिर, राधा रमण मंदिर और इस्कॉन मंदिर के दर्शन करने के साथ ही इनके नजदीक ही एक घर भी बनाना चाहते हैं। जानकार भी मानते हैं कि धार्मिक नगरी होने की वजह से यहाँ पर प्रॉपर्टी की डिमांड हमेशा बनी रहेगी। सी वृंदावन ऐसी है फ्रॉम अ लोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू 2 घंटे 2.5 घंटे फ्रॉम दिल्ली है। जो लोग थोड़े धार्मिक ओरिएंटेड हैं उनके लिए जो जाते रहते हैं वहाँ पर एक बेस बन जाता है कि जब भी जाएं तो एटलीस्ट रात को वहाँ रह सकते हैं, एक उनके लिए एक बेस बन जाता है। दूसरा जो एक शांत और सरील जगह ढूंढ रहे हैं जो कि आजकल दिल्ली के आसपास इतने सैचुरेशन हो चुका है उनके लिए एक सेकंड होम बन जाता है। वृंदावन में हर साल 20 लाख लोग घूमने के लिए आते हैं। ऐसे में यहाँ आने वाले सैलानियों को ठहरने के लिए होटल, धर्मशाला वगैरह के भरोसे रहना होता है। इनमें से कुछ यहाँ पर मकान मालिक बनना चाहते हैं और कुछ लोग थोड़े समय के लिए किराए पर ही एक घर चाहते हैं। ऐसे में मकान मालिक बनने के साथ ही किराए पर आमदनी के लिहाज से भी वृंदावन बेहतरीन विकल्प बनता जा रहा है। लोगों की इसी सोच को भुनाने के लिए यहाँ पर कई बिल्डर्स प्रोजेक्ट बना रहे हैं। आप यहाँ पर ओमैक्स ग्रुप के ओमैक्स एटर्निटी, शौर्य हाउसिंग के वृंदा वाटिका, श्री ग्रुप के श्री राधा NRI गार्डन और श्री राधा फोरेंस, श्री एनर्जी डेवलपर्स के वृंदा कुंज, CHD डेवलपर्स के श्री कृष्ण लोक, पुष्पांजलि कंस्ट्रक्शन के पुष्पांजलि बैकुंठ, जैन रियल्टर्स के आई स्टूडियो अपार्टमेंट, एक्सप्रेस टावर्स के हरे कृष्ण ऑर्चिड, NP इंफ्राटेक के संस्कार सिटी, बसेरा ग्रुप के हरे कृष्ण धाम में घर खरीद सकते हैं। यहाँ पर आप स्टूडियो अपार्टमेंट खरीद कर उसे लीज पर दे सकते हैं जिससे हर महीने आपको एक निश्चित रकम मिलती रहेगी। इसके अलावा आप गारंटीड रिटर्न के प्रोजेक्ट्स में भी निवेश कर सकते हैं। यही नहीं, यहाँ खरीदा गया आशियाना रिटायरमेंट के बाद आपके रहने के लिए एक बेहतरीन विकल्प भी बन सकता है। तो शिरडी भी एक काफी पॉपुलर डेस्टिनेशन के तौर पर उभर कर आ रही है इन हॉलिडे होम्स के लिए। इसी के बारे में आज हम कर रहे हैं चर्चा और शिरडी के बारे में रिपोर्ट हमने आपको दिखाई है। शिरडी हो या फिर हरिद्वार हो, ये लोकेशंस ऐसी हैं जहां पर काफी ज्यादा हॉलिडे होम्स जो है वो आजकल बनाए जा रहे हैं। एक कंज्यूमर के लिहाज से आप क्या कहेंगे अगर उसको हॉलिडे होम खरीदना हो तो वो लोकेशन का चुनाव किन किन चीजों को ध्यान में रखकर करे? देखिए, लोकेशन का चुनाव तो हर खरीदार अपनी मर्जी के मुताबिक, अपनी सोच के मुताबिक करता है कि उसको कहाँ पर वो विकल्प अच्छा लग रहा है। जैसे कुछ लोग हैं जो तय कर चुके हैं कि मैंने शिरडी हर 3 महीने में या हर महीने जाना है क्योंकि वहाँ जाने के लिए कनेक्टिविटी बहुत शानदार है, सुबह जाओ और आप नेक्स्ट डे वापस आ सकते हो, तो वहाँ पर भी वो सेकेंड होम के नाते एक फ्लैट लेते हैं तो उसको दोनों फायदे हैं कस्टमर को। अगर वो फ्लैट लेता है, स्टूडियो अपार्टमेंट लेता है तो वो खुद रह भी सकता है, रेंटल इनकम भी हो जाती है और 3 साल बाद 4 साल बाद जब भी बेचना चाहे तो लगभग दुगने भाव पर वो बिक भी सकता है। इसी प्रकार अगर दिल्ली में कोई रह रहा है और हरिद्वार वो जाना पसंद करता है और हर वक्त वो हरिद्वार में जाता है या हरिद्वार के बाद देहरादून जाता है, मंसूरी जाता है, तो भी वो सोचता है कि हरिद्वार में एक सेकेंड होम लेना चाहिए। वहां पर भी ऐसे काफी विकल्प आ चुके हैं। हरिद्वार के अंदर स्टूडियो अपार्टमेंट भी अवेलेबल है और सबसे मजेदार बात यह है कि हरिद्वार के अंदर प्लॉट्स भी अवेलेबल हैं। अगर कोई वहां पर 90 गज से लेकर 200 गज तक का प्लॉट भी लेना चाहे तो वो भी लगभग 6,000-6,500 रुपए पर स्क्वायर यार्ड अवेलेबल हैं। इस वजह से वहां पर, क्योंकि प्रॉपर्टी की कीमत हरिद्वार में ज्यादा बढ़ जाएगी, उसका रीजन ये है कि जितने भी नेशनल हाईवे हैं उनके ऊपर डेवलपमेंट बहुत तेजी से चल रही है, वो ज्यादा अच्छे डेवलप होने की वजह से हरिद्वार जो आज 5 घंटे या 4 घंटे लगते हैं आने वाले समय में 3 घंटे में वहां पहुंचा जा सकता है, जिसके कारण वहां प्रॉपर्टी के बढ़ने की पूरी पूरी संभावना है। और इसलिए किसी भी जगह पर अगर प्रॉपर्टी ली जाए उससे पहले अगर थोड़ा सा होमवर्क किया जाए तो वो बहुत बेहतर रहता है एक पूंजी निवेशक के लिए। जी, हम उस होमवर्क के बारे में टिप्स आपसे लेना यहाँ पे जरूर चाहेंगे, लेकिन जिस भी लोकेशन में हॉलिडे होम्स बनाए जा रहे हैं उसका फायदा वहाँ के लोकल्स को भी पहुंचेगा। जाहिर सी बात है, अगर वहाँ प्रॉपर्टी के दामों में इजाफा होगा तो जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं उनको भी इसका फायदा पहुंचेगा। अगर हम शिरडी के बारे में बात करें तो उस जगह को आप रिकमेंड क्यों करेंगे, क्या जगह है उस खासियत में और किन ग्राहकों को वहाँ पर फ्लैट बुक करवाना चाहिए? देखिए, शिरडी एक बहुत ही फेमस तीर्थ स्थल है और वहाँ पर जानने वाले लोगों की संख्या बहुत अधिक है। जैसा अभी स्तीजा जी ने बताया कि वहाँ पर रहने के लिए एकोमोडेशन की बहुत ज़्यादा दिक्कत है, गेस्ट हाउसेस की बहुत ज़्यादा दिक्कत है, तो जो लोग शिरडी के भगत हैं जो कि हर 3 महीने में या 2 महीने में एक बार जाते हैं, ऐसे लोगों की बहुत संख्या है जो कि
तीन महीने में एक बार जाते ही जाते हैं जी। तो उस तरह के लोगों के लिए ये सेकेंड होम लेना एक बहुत अच्छा विकल्प है कि वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और जब भी किसी शहर का डेवलपमेंट होता है तो जो लोकल लोग होते हैं उनको उसका फायदा मिलता ही है, क्योंकि बाहर से आने वाले निवेश का जो भी उसका बेनिफिट होगा वो लोकलाइट को मिलेगा ही मिलेगा। वो लोग आएंगे वहां पर रहेंगे, खर्चा करेंगे, तो वहां की टूरिज्म वहां का डेवलप अपने आप करेगा और वहाँ के जो लोकल बाजार चल रहे हैं वहाँ पे अपने आप उनका मुनाफा आएगा जी। तो ये भी यहाँ पर एक बहुत अच्छा विकल्प साबित होगा उस शहर के लोकल लोगों के लिए जो कि वहाँ पे रह रहे हैं, उनको भी अपनी रोजगार बढ़ाने के तमाम साधन या हॉलिडे होम्स मुहैया करा सकता है। इसी के साथ एक और ब्रेक हम यहाँ पर लेने जा रहे हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तब करेंगे बात वृंदावन की, क्या खूबी है उस जगह की, हम बताएंगे आपको उसके बारे में। छोटे से ब्रेक के बाद जारी है प्रॉपर्टी मंत्रा दिल्ली आज तक पर। खुशियां बांटने से ही बढ़ती हैं, तो कोका कोला पिलाओ, खुशियां बढ़ाओ। तनेजा कंप्लीट होम सॉल्यूशंस, एक परफेक्ट शोरूम जहां पर है सुंदर और कंप्लीट घर बनाने का हर साजो सामान। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें propertychacha.com पर। इसका क्लेम चेक करना है और वो मैम क्या है? ये उनकी कुछ चीजें हैं जो मेरे पास पड़ी है, लेकिन उनकी जमा पूंजी जो मेरे लिए थी वो आपके पास पड़ी है। देखिए अब बेवजह मुझे यूँ यहाँ रोज रोज आना अच्छा नहीं लगता। आपके अपने उनके हक के पैसों के लिए परेशानी क्यों उठाए? इसलिए भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने बदला है जीवन सुरक्षा का नजरिया। पाइएगा क्लेम सूची के वक्त फंड वैल्यू का पूरा भुगतान सिर्फ 48 घंटों में। फिर कब आऊँ मैं? चाय के लिए? कभी भी। वैसे चेक तो आपको 48 घंटों में भेज दिया जाएगा। अब 48 घंटे के भुगतान का फायदा भारतीय एक्सा लाइफ फ्यूचर इन्वेस्ट पर भी। भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस, जीवन सुरक्षा का नया नजरिया। हर स्लाइस में छुपी है कटरीना, तो स्लाइस पियो, क्राउन में लिखा नंबर घुमाओ और कटरीना को डेट पे ले जाओ। कटरीना का नंबर क्राउन के अंदर। Real change. Submit your idea at sparktherise.com for a chance to make it a reality. Mahindra, rise. क्या क्या सपने सजाए इंसान? मन तो क्यों सपने सजाता है, जोड़िया तो ऊपर वाला बनाता है। शुभ विवाह 27 फरवरी कल से रात 7:30 बजे सिर्फ सोनी पर। We need to get there. It's a sandstorm. Run! Cut! Great shot, Akshay. A clean and dry shot for your next shot. He doesn't need it. He's still so dry and fresh. New Sure for men. Apply it on your underarms to stop underarm sweat even when the temperature rises. Sure keeps your underarms dry and fresh even at 58 degrees Celsius. Sure men, no pasina. आज हम कर रहे हैं बात हॉलिडे होम्स के बारे में। आगे बढ़ने से पहले आपको हम दिखा देते हैं कैसे ही प्रोजेक्ट के बारे में जो न केवल आपका हॉलिडे होम बनने का दावा कर रहा है बल्कि आपको एक अच्छी इनकम देने का वादा भी कर रहा है। शिरडी में घर, साई का आशीर्वाद, तुरंत पोजीशन का मौका। शिरडी के साई धाम में हर सुबह श्रद्धा सबूरी के दर्शन करने की तमन्ना है तो फिर इस मंदिर से 1 किलोमीटर दूर बन रहे MR प्रोव्यू के प्रोजेक्ट शाही शरणम में रेडी टू मूव स्टूडियो और 1 BHK अपार्टमेंट खरीद सकते हैं। कंपनी ने इसे आपके दूसरे घर के कॉन्सेप्ट के मुताबिक तैयार किया है, यानी जहां आप साल में कुछ दिन आकर वक्त बिता सके। यहां पर आपको सुख सुविधा का हर साजो सामान एकदम तैयार मिलेगा। LCD TV, शानदार बेड और मॉड्यूलर किचन,
जाहिर है कुछ दिनों के लिए जाएंगे तो आपको होटल का माहौल ज्यादा रास आएगा। इसके लिए यहाँ 5 सितारा हाउसकीपिंग और पेंट्री सर्विस की सुविधा मुहैया कराई गई है। इस सुविधा के लिए मेंटेनेंस चार्ज भी बेहद वाजिब यानी 1 रुपए प्रति वर्ग फीट रखा गया है। 1 BHK में भी डाइनिंग टेबल तक ग्राहकों को दिया गया है। इस प्रोजेक्ट में कुल 6 ब्लॉक है और हर एक में अलग से लिफ्ट लगाई गई है। स्टूडियो अपार्टमेंट्स का साइज है 525 स्क्वायर फीट और इसे खरीदने के लिए आपको करीब 16 लाख रुपए चुकाने होंगे। वहीं 1 BHK का साइज 740 वर्ग फीट है और इसे खरीदने के लिए आपको खर्च करने होंगे 22 लाख रुपए। अब कंपनी इस प्रोजेक्ट के लिए किसी होटल चेन से करार करने की तैयारी कर रही है। उम्मीद है कि दिसंबर तक ये करार हो जाएगा, जिसके बाद इस पूरे प्रोजेक्ट को कोई नामी होटल चेन ऑपरेट करेगी और आपको हर महीने एक तय रकम मिल जाएगी। तो इस रिपोर्ट में आपने देखा कि क्या क्या खूबी है हॉलिडे होम्स की और साथ ही में किन किन जगहों में उनको डेवलप किया जा रहा है। वृंदावन के बारे में अगर बात की जाए तो वो भी एक आकर्षक जगह के तौर पर उभर कर सामने आ रही है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे, आगे आने वाले दिनों में वृंदावन की खूबी आप क्या गिनाना चाहेंगे यहाँ पे? देखिए, सबसे खूबी तो ये है कि दिल्ली के ये बिल्कुल नजदीक है वृंदावन, और ये आगरा एक्सप्रेस वे जब बहुत अच्छी तरह से तैयार हो जाएगा, बहुत सरल हो जाएगा वहां पर जल्दी में पहुंचना। FBD फरीदाबाद, गुड़गांव और दिल्ली के लिए वृंदावन बिल्कुल नजदीक है और वहां पर प्रॉपर्टी की ग्रोथ भी बहुत ज्यादा है जी। 4-5 साल पहले जो प्रॉपर्टी वहां पर 7 लाख 8 लाख रुपए में मिलती थी, वो आज 12 लाख 15 लाख से ऊपर हो चुकी है। और जितने भी लगभग बिल्डर वहां पर स्टूडियो अपार्टमेंट बना रहे हैं, वो लगभग 50 महीने की अश्योर्ड रिटर्न भी दे रहे हैं। अश्योर्ड रिटर्न को लेने के साथ साथ वो प्रॉपर्टी जब भी बेचना चाहे उसको बेचने में कोई दिक्कत नहीं आती। जो वृंदावन में जाना चाहते हैं हर हफ्ते वीकेंड, क्योंकि नजदीक है वहां पर जा सकता है, हर आदमी खरीदने के बाद वहां पर वीकेंड पे भी जा सकता है और धार्मिक स्थल होने की वजह से भी जा सकता है, और कई लोगों ने तो प्रेरणा ली हुई है कि वो हर शनिवार को वहां जाते जाते हैं। तो इसलिए वृंदावन से सुंदर विकल्प कोई भी नहीं है। वृंदावन दिल्ली से नजदीक होने की वजह से और प्रॉपर्टी में ग्रोथ बहुत ज्यादा है, जिसके कारण वृंदावन को लोग बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं जी। गुल साहब, यहाँ पर वृंदावन, शिरडी, हरिद्वार हो गया, ये तो काफी पॉपुलर धार्मिक स्थल हैं। क्या इसके अलावा दिल्ली एनसीआर के आसपास किसी और जगह पर भी हॉलिडे होम्स का चलन बढ़ रहा है? देखिए, अभी गुड़गांव में आउटस्कर्ट्स पे या सोना में या फरीदाबाद में इस तरह के रिसोर्ट बन रहे हैं जहाँ पे की सेकेंड होम का विकल्प अभी आ रहा है जी। अभी बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट इस तरह के नहीं आए हैं, परंतु कुछ प्रोजेक्ट्स इस तरह के आए हैं जहाँ पे कि सब तरह की फैसिलिटीज दी जा रही हैं, स्पा, स्विमिंग पूल, गोल्फ वगैरह की फैसिलिटीज दी जा रही हैं, ताकि उस घर को लोग एज ए सेकेंड होम इस्तेमाल कर सके जी। सर, आखिर में हम जानना चाहेंगे आपसे कि किन बातों का ध्यान रखें इस तरह के सेकेंड होम्स में इन्वेस्टमेंट करने से पहले, क्या कुछ टिप्स आप बताना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? देखिए, बहुत बढ़िया खरीदारों के लिए एक टिप्स देना चाहूंगा, अगर वो प्रॉपर्टी को खरीदना चाहते हैं एज ए सेकेंड होम या स्टूडियो अपार्टमेंट के लिए, उनके पास अगर बहुत कम पूंजी भी है तो उनको बैंक का लोन लेकर, अगर वो बैंक लोन लेने के लिए एलिजिबल हैं तो उनको बैंक लोन लेकर भी ले लेनी चाहिए प्रॉपर्टी, क्योंकि उसमें रिटर्न बहुत अच्छी है। कहीं भी कैसी भी स्टूडियो अपार्टमेंट का प्रपोजल अगर आपके पास आता है और उसके लिए अगर आप कंसल्टेंसी चाहते हैं तो रियल एस्टेट एजेंट से कंसल्टेंसी लेना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। लोन लेकर भी अगर आप स्टूडियो अपार्टमेंट लेते हैं और उसमें अगर आपको विकल्प दिखाई दे रहा है कि रेंट इनकम हो जाएगी या प्रॉपर्टी की ग्रोथ ज्यादा स्पीडी है, तो उसे वो विकल्प चुन लेना चाहिए। सबसे बढ़िया आपको टिप्स मैं ये देना चाहूंगा, कोई भी कहीं भी कैसी भी प्रॉपर्टी अगर आपने खरीदनी हो तो उसके लिए टाइटल जरूर देख लें, क्या वो बिल्डर जो आपको प्रॉपर्टी दे रहा है क्या वो उसकी अपनी है जी? क्या वो ज्वाइंट वेंचर में है, क्या वो प्रॉपर्टी लीज पर है या फ्री होल्ड पर है। दूसरा टिप्स ये है कि अगर वो प्रॉपर्टी आपको दे रहा है कितने स्क्वेयर फीट दे रहा है, उसके अंदर कार्पेट एरिया कितना आपको मिलेगा, कहीं ऐसा तो नहीं है 3,000 रुपए रेट को 2,000 रुपए करके आपको फंसाया जा रहा हो, लुभावने सपने दिखाई दे रहे हो। इस प्रकार हर प्रकार के डॉक्यूमेंट्स लीगलाइज देखकर, सोच समझकर कोई भी प्रॉपर्टी कहीं भी लेने से पहले एक चेक भी कर लेना चाहिए, एक सेकंड ओपिनियन भी ले लेना चाहिए, उसके बाद अगर इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो ये फायदे का सौदा पूंजी निवेशक के लिए 100% होता है जी। बिल्कुल, आप दोनों का शुक्रिया इन तमाम सवालों का जवाब यहाँ पे देने के लिए। तो उम्मीद है कि इस एपिसोड के जरिए आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा सेकंड होम्स का, और अब आप वहां पे निवेश करने से पहले तमाम हमारे एक्सपर्ट्स की बताई हुई बातों को ध्यान में रखेंगे। तो प्रॉपर्टी मंत्रा में आज के लिए फिलहाल बस इतना ही।
तो अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप हमें फोन करके, एसएमएस करके या मेल करके पूछ सकते हैं। इसके लिए आपको हमारा ईमेल आईडी नोट करना होगा। हमारा ईमेल आईडी है askme@propertychacha.com और हमारा फोन नंबर है 9871372372। अगले हफ्ते हम फिर से हाजिर होंगे आपके लिए ही इसी तमाम फायदे की खबरों के साथ। तब तक आप बने रहिए दिल्ली आज तक के साथ और हमसे मिलिए अगले हफ्ते इसी वक्त। प्रॉपर्टी मंत्रा के प्रायोजक थे PropertyChacha.com, जितना चाहो उतना कमाओ, और तनेजा कंप्लीट होम सॉल्यूशन, प्लान योर मॉड्यूलर किचन्स एंड इंटीरियर्स। ओ पाजी, पाजी छोटा सा बिजनेस था हमारा, आपकी आईटी ने तो हमें इंटरनेशनल बना दिया। Hey, our sky's a lot safer, thanks to you guys. Mr. It's you. Mr. Banker, can I have my jacket back?